पटना नगरिया में आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद। और आज हमारे साथ पटना नगरिया में जुड़ी हैं ऐश्वर्या राज भाकुनी। ये बेसिकली रायपुर की बेटी हैं और आज पृथ्वीराज फिल्म में काम कर रही हैं और कई सीरियल में भी काम किए हैं। तो रूबरू करा रायपुर से बॉलीवुड का सफ़र के बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। तो रायपुर में मैंने अपनी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद मैं वहाँ से गई चेन्नई। वहाँ पे मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। बीटेक कंप्लीट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे शायद यही फील्ड एक्टिंग फील्ड है जहाँ पे मुझे जाना है, जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट है। तो वहाँ से फिर मैं मुंबई गई। मुंबई में जाके मैंने ऑडिशन्स दिए, काम किया, टीवी शो से शुरू किया, फिर फिल्म पर आई हूँ। अभी यही है मेरी जर्नी। पृथ्वीराज में काम करना आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। एक तो पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े बैनर की फिल्म है, यशराज बैनर है, ऊपर से मेरे सबसे महान हमारे हिस्ट्री के जो राजा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान उनके ऊपर है। इसको मेरे सबसे फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार हैं जो इस किरदार को निभा रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करना। मुझे बहुत मज़ा आया। पटना आई आप? इसके पहले भी पटना आई हैं और कैसा लगा पटना? पटना आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे सारे दोस्त जो हैं वो पटना से ही हैं, तो यहाँ से एक अपनापन, इस मिट्टी से एक अपनापन है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। क्या कहेंगे यहाँ के यूथ को? यहाँ के यूथ को यही कहूँगी मैं कि आप लोग प्लीज़ सभी ज़रूर जाइए और पृथ्वीराज चौहान फिल्म ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फिल्म हमारे इतिहास के एक बहुत ही महान राजा के ऊपर बेस्ड है, जिन्होंने इस मिट्टी के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी है, जिस वजह से आज आप और मैं घर में सेफ बैठे हुए हैं और हमारे पास फ्रीडम है। तो आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म, ताकि आपको एक नॉलेज मिले। और ये जो फिल्म है इस पर हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी सर, उन्होंने 18 साल रिसर्च की है और बहुत ही फैक्ट्स उन्होंने आपके सामने ला के रखे हैं। तो आप प्लीज़ जरूर जाके इस फिल्म को देखिए। आप इसमें किस रोल पे हैं? इस फिल्म में मैं संयोगिता की जो बहन है रागिनी, उस रोल में हूँ, जो कि उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शुरू से लेके अंत तक रहती है। आगे क्या रोल आप करना पसंद करती हैं? आगे मैं मोस्टली हीरोइन रोल्स, जो फीमेल मेन लीड्स होते हैं, वही रोल पसंद करूंगी और मैं कर भी रही हूँ। आगे बहुत ही जल्द आप मुझे बहुत फिल्मों में देखने वाले हैं। अपनी चर्चित सीरियल या कोई तो बताएं मेरे व्यूअर्स को। चर्चित सीरियल तो मेरे दो ही थे, एक थे तेनालीरामा और एक था गुप्ता ब्रदर्स, जो कि बहुत ही चर्चा में थे और उससे मुझे बहुत फेम मिला। उसके अलावा भी मैंने झांसी की रानी, विघ्नहत्ता गणेशा जैसे बहुत शोज़ किए हैं, बट मेन मेले तेनालीरामा और गुप्ता ब्रदर्स ही थे। भी आज तक टीवी शो किए वो मोस्टली हिस्टोरिकली थे, माइथोलॉजिकली थे, तो इसलिए लैंग्वेज पे पकड़ मेरी अच्छी थी, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं गई। और वेशभूषा और उसमें एक्सप्रेशन कैसे देने हैं वो सब की मदद भी मेरी डायरेक्टर सर ने ऑलरेडी कर दी थी, तो मुझे कोई डिफिकल्टी ऐसे कहीं नहीं। बहुत दोस्त हैं और उन दोस्तों को देख के मुझे यही पता चला है कि बिहार की जो मिट्टी है, यहाँ पे देश प्रेमी बहुत ज़्यादा हैं, लोगों में नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी एजेंडा फैलाए जा रहे हैं उस पर ध्यान ना देते हुए आप ज़रूर जाएँ, अपने फैमिली वालों को लेके जाएँ, ताकि उनको पता चले कि हमारे महान राजा थे कैसे, उन्होंने क्या क्या मुसीबतों का सामना किया, कैसे लड़ा इस धरती के लिए, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, ये ज़रूर देखने जाएँ। और आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे इस फिल्म को तो और कौन करेगा, तो मेरा यही आपसे कहना है। बिहारी फिल्मों को आप सपोर्ट कीजिएगा, रोल मिल जाए तो जरूर जरूर मिलेगा, तो क्यों नहीं आप करेगा, यहाँ आए हो, अगर भोजपुरी में अगर आपको मौका मिलता तो क्या करोगे? जरूर, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। भोजपुरी में अश्लीलता की बात आती है तो अश्लील फिल्म में करेंगे आप? नहीं, सिर्फ साफ सीधी फिल्म करूंगी। मेरा ये नारा है कि मुझे बॉलीवुड कोई भी इंडस्ट्री हो वहाँ पे मुझे साफ सुथरी फिल्म ही करनी है। सुशांत सिंह राजपूत एक मेरी बहुत ही फेवरेट एक्टर रहे हैं और मेरे पास अभी बिल्कुल शब्द नहीं है। उनके साथ जो भी हुआ मैं यही प्रे करूंगी कि उनके जैसे और कोई इंडस्ट्री में कोई ऐसा आए अपने शहर से, तो उनके साथ कभी ऐसा ना हो। उनका उनकी मैंने पिंजर फिल्म देखी है, जो कि मेरी फेवरेट फिल्म भी रही है। उनकी मैंने चाणक्य टीवी शो भी थोड़ा देखा था, ताकि मैं समझ सकूं कि उनका वे ऑफ वर्किंग और कैसा रहता है। तो ये दो चीज़ें मैंने देखी थी उनकी। थैंकफुली हमारे जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने खुद इतनी रिसर्च की थी 18 साल की, हमें अलग से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह उनको फॉलो किया, उनके उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया हम बस उसको फॉलो करते गए और बहुत अच्छी फिल्म बन गई। मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी सर के साथ तो ज़रूर काम करना चाहूँगी आगे भी। मुझे संजय लीला भंसाली सर भी बहुत पसंद है और भी बहुत अच्छे, मैं अच्छे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज के साथ काम ज़रूर करना चाहूँगी। मैम, सीरियल से फिल्म तक का सफ़र कैसा रहा?
सीरियल से फिल्म तक का सफ़र बहुत ही एक्साइटिंग रहा, क्योंकि सीरियल्स का वे ऑफ मेकिंग अलग होता है, फिल्म्स का वे ऑफ मेकिंग अलग होता है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और अगर हम ऑडियंस की बात करें तो एक सेट ऑफ ऑडियंस सीरियल की अलग होती है, फिल्म्स की अलग होती है, तो बहुत ही मज़ा आया मुझे फिल्म्स का। सीरियल्स में अब वापस से वर्क करने को मिलेगा तो करेंगे, क्योंकि यू मूव्ड इन बॉलीवुड नाउ। जी, तो अभी बॉलीवुड में फिल्म्स तो अभी चल रही है, ऑफर्स मिलते जा रहे हैं, काम आगे बढ़ता जा रहा है, पर हाँ कभी अगर मेरे पास सीरियल का कोई अच्छा ऑफर आया तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। ये फिल्म जिस पे बेस्ड है वो है पृथ्वीराज रासो, तो उस पे तो सम्राट नहीं लगा था। और ये कहानी पृथ्वीराज चौहान राजा के बारे में है, तो अगर वो पृथ्वीराज है तब भी अच्छी है, पृथ्वीराज चौहान है तब भी अच्छी है, और सम्राट पृथ्वीराज चौहान है तो उसके आगे और चार चांद लग गए। अब जिन लोगों को पृथ्वीराज चौहान से बहुत ज़्यादा भावनाएं जुड़ी हुई है, जो उनको भगवान की तरह पूछते हैं, ऑब्वियसली उनका मन रखने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान लगाना भी बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। और सम्राट लगाया गया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बस किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू सपोर्ट दिया जा रहा है, जिस वजह से लगाया। नहीं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान पूरे देश के राजा थे, वो सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के राजा नहीं थे, वो पूरे देश के राजा थे। तो सम्राट लगाना हम हर देश भारत देश के जो हर एक नागरिक है उन सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि वो हम सबके महान राजा थे। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा, बाकी लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा? ऐसी जो सोच होती है, ये देश का जो भला नहीं चाहते हैं या जो देश के विपरीत ख्याल रखते हैं, ये ऐसे लोगों की सोच होती है। क्योंकि मैं दोबारा यही कह रही हूँ कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं लड़ा था, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इस देश की मिट्टी के लिए लड़ा था। कि मेरे बहुत सारे मित्र पटना के रहे हैं हमेशा से, मैं जब कॉलेज में पढ़ रही थी SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, तो मेरे बहुत सारे मेरे खास मित्र सब बिहार से थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके उनसे दोबारा मिल के, और अपनी ही मिट्टी लग रही है यहाँ पे आके। आज जो पटना में आई है, तो आपका खास मकसद क्या था आने का? पटना में खास मकसद आने का यही था कि यहाँ पे फिल्म का प्रचार प्रसार किया जा सके और आप सभी से मिल सके, और जो भी डाउट आजकल पृथ्वीराज चौहान को लेके लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि फिल्म में ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, जो भी फॉल्स एजेंडा फैलाए जा रहे हैं उनको क्लियर करने। एक मसला उठा था कि पृथ्वीराज चौहान में बोला गया कि पृथ्वीराज चौहान जट थे, इस तरह का पहले उठा था, तो ये बहुत लोगों ने बोला कि ये फिल्म को प्रमोट करने के लिए स्टंट लोग अपनाते हैं जो डायरेक्टर होते हैं, आप इस चीज़ को क्लियर करें। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो हमारे राजा थे वो हिंदुस्तानी थे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो जट थे या वो राजस्थानी नहीं थे, वो जट नहीं थे या वो ये नहीं थी, वो सबसे पहले एक हिंदुस्तानी थे, उन्होंने लड़ा, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आज की डेट में भी हमारे बीच जो लड़ाई झगड़े होते हैं कि तुम गुजराती हो, तुम ये हो, तुम छत्तीसगढ़ी हो, तुम राजस्थानी हो, तो ये सब भूल के हमें ये सोचना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तानी, हम सब भारतवासी हैं, और यही हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। आप इंडस्ट्री में लगातार आपकी एक्सपीरियंस काफ़ी रही है, पृथ्वीराज चौहान करने के बाद आपको क्या लगा कि मूवी इस तरह की और आनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट थीम पे नीस पे मूवी बनती है, और कहीं ना कहीं हमारे भारत में इस तरह की मूवी की बहुत कमी हो गई। देखिए, हम हमेशा से इतिहास में ये रहा है कि लोग जो भी पार्टीज रही हैं या जो भी लोग रहे हैं, हिस्टोरियंस रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से हमारी कहानियों को, हमारे जो राजा थे जिनकी वीरता और शौर्य की जो गाथाएं थी, उनको अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की है, तो आज तक हमारी जनरेशन को कभी भी सच्ची स्टोरी नहीं मिली है। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान की जो स्टोरी है, इसमें हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, उन्होंने 18 साल रिसर्च किया है और सारे फैक्ट्स और तथ्यों पर मूवी बना के एक आपके सामने रखा है। तो ऐसी ही कई फिल्म्स और आती रहे, मैं तो चाहूंगी कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको पता चले कि हमारे जो राजा हुआ करते थे वो कितने वीर थे, उनके शौर्य की गाथा है, उनकी वीरता की गाथा है, जरूर आने वाली जनरेशन को पता चले। तो ये थी ऐश्वर्या राज भाकुनी।